हवाले से जानकारी है। परिवहन मंत्री सीम गोयल को नोटिस मिला है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजा है सीम गोयल को नोटिस। मॉडल ऑफ कंडक्ट की अवहेलना पर नोटिस जारी हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि 72 घंटे में जवाब देने के लिए कह दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान सड़क बंद रखने पर यह नोटिस जो है वो फरार दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस दिया गया, मॉडल ऑफ कंडक्ट की अवहेलना पर नोटिस फिलहाल जारी हो गया, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 72 घंटे में जवाब देने के लिए भी कह दिया गया है। तो सड़क बंद रखने पर नोटिस दिया गया, सीम गोयल को फिलहाल नोटिस दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी है। देश में जैसा कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कोई रूल को तोड़ा गया है तो उसके लिए नोटिस होता है। ऐसा ही हुआ है अम्बाला शहर में। 4 तारीख को यहाँ एक रैली थी जिसके बाद कि अम्बाला के परिवहन मंत्री और विधायक असीम गोयल ने अपने घर के बाहर जो कि कोठी नंबर 1 प्रेम नगर ओल्ड दिल्ली रोड पर, उस रोड को 100 मीटर रोड को जाम कर दिया गया। वहां पर डिनर का कार्यक्रम था और पूरी रोड को जाम कर दिया गया। तो मॉडल ऑफ कंडक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने परिवहन मंत्री असीम गोयल को नोटिस थमा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव की अवहेलना है, चुनाव आचार संहिता की अवहेलना है, क्योंकि उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन के आप किसी रोड को भी बंद नहीं कर सकते। ओल्ड दिल्ली रोड जो कि 1 प्रेम नगर में स्थित है, वहां पर डिनर का आयोजन किया गया और उस पूरी रोड को बंद कर दिया गया और बंद करने से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट जो चुनाव योग अधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। मॉडल ऑफ कंडक्ट के तहत नोटिस जारी किया और 72 घंटे में परिवहन मंत्री असीम गोयल से इसका जवाब भी मांगा है। तो ये पूरी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा से, संजीव आनंद अम्बाला से। और इस बीच संजीव आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। संजीव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से असीम गोयल को नोटिस दिया गया, एक बार विस्तार से बताया पूरा मामला। संजीव, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। संजीव, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस दिया गया, एक बार विस्तार से बताया पूरा मामला। हाँ सर, मामला ऐसा है कि 4 तारीख को यहाँ पर जो है डिनर का कार्यक्रम परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास स्थान पर रखा और उसके सामने जो रोड थी, 1 ओल्ड दिल्ली रोड थी, उसको जाम कर दिया गया विदाउट परमिशन, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जिसको लेकर सिटी जो अपना मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और 72 घंटे में जो परिवहन मंत्री है और अम्बाला के विधायक असीम गोयल है उनसे इसका जवाब मांगा है कि आपने ऐसा किस रूल के अंदर किया और कैसे आपने इसकी परमिशन ली। 72 घंटे में जवाब देने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है, उसको लेकर अभी अधिक अपडेट क्या आ रही है? अभी उसका जवाब विधायक जो है असीम गोयल और परिवहन मंत्री जो असीम गोयल है वो भी देंगे। उसका भी जवाब कोई उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने इसके लिए जो है कार्रवाई के लिए लिखा है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर सकता है। और इसके साथ हमने जो जिला मजिस्ट्रेट है उससे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन आज शनिवार होने के कारण उन्होंने ना तो हमारा फोन उठाया और ना वो मिल पाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल परिवहन मंत्री असीम गोयल को नोटिस जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।